आज सुबह बहुत जल्दी उठा हूँ। द टाइम इज नाउ अराउंड 6:30 AM। अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन से पहले मैंने जितनी भी राइड की है, मैं सुबह 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे घर छोड़ देता था। लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके बाद मैंने जितने भी राइड किए हैं वो सुबह 9-10 बजे किए हैं, तो इसलिए अब सुबह उठने की आदत ही चली गई है। अभी भी मैं लॉकडाउन मोड में हूँ, मतलब लॉकडाउन में जिस मोड में था सुबह आराम से 10 बजे उठो और उसी मोड में हूँ मैं। आप मेरी आंखें भी देख सकते हो, अभी भी नींद में। और इसी बीच देखिए मैं इंट्रो देना भी भूल गया। ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्य डायरीज, दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। तो आज है डेट 4th of October 2020। कल यानी कि 3rd October 2020 को इतना जोर से बारिश था, अचानक से क्या पता। इतने दिन वेदर बहुत ही अच्छा था, लेकिन कल जो बारिश गिरी है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 रूट देखे थे, लोनावाला साइड भी देखा था, लेकिन लोनावाला साइड बहुत ही जोरदार बारिश है आज। ज्यादा बारिश के बीच राइड नहीं करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने लोनावाला ड्रॉप कर दिया। सेकंड था कसारा घाट, और कसारा घाट जाकर मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ। और थर्ड रूट था भिवंडी से गुजरात एक्सप्रेस हाईवे, और मैंने सोचा कि यस, बहुत दिन हो गए गुजरात एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं गए, दैट्स इट, आज हम जा रहे हैं गुजरात एक्सप्रेस हाईवे से। डेस्टिनेशन थोड़ी देर बाद ही बता देता हूँ। तो बस सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, निकलने को सिर्फ 5 मिनट है, तो चलिए एज यूजुअल डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ आपसे। गोप्रो का वाटरप्रूफ केस लेना ही भूल गया था, तो इसलिए वापस ऊपर जाना पड़ा। अगर बारिश ज्यादा हुई तो गोप्रो को वाटरप्रूफ केस में डाल के व्लॉगिंग करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज सेट। ओम साई नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक गॉड कि आज पत्री पुल खाली है। मैं मेरे दोस्त से मिल गया, पेट्रोल पंप पे ही हम मिल गए। कोनगांव तक तो वही रोड है, फिर कोनगांव के बाद अपने को स्ट्रेट लेना है। हल्की फुल्की बारिश है, मतलब आप उसको बारिश नहीं कह सकते। बाकी यस, अर्ली मॉर्निंग राइड, कितने जमाने के बाद। अरे हाँ रे, ये तो मैं भूल गया, मैं तो सुबह बहुत जल्दी निकला हूँ, तो पत्री पुल पर ट्रैफिक कैसे मिलेगी। अरे भिवंडी वालों, अब तो मास्क पहन लो, लगता है सब चले जाने के बाद, सब नॉर्मल होने के बाद ये लोग मास्क पहनने वाले हैं। बाय द वे यस, आई एम इन भिवंडी। 1.5 किलोमीटर के बाद मुझे राइट टर्न लेना है। एज यूजुअल तुंगेश्वर जंगल से जाने वाले हैं हम। गूगल मैप फिरकी लेने के मूड में, क्या पता कौन से रूट से लेकर जा रहा है। ये हमेशा का भिवंडी में कुछ अलग ही रूट चूज कर लेता है, कहाँ से लेकर आया गूगल मैप, ये कौन सा नाला आ गया भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, गूगल आंटी फिरकी जरूर लेती है, लेकिन इन द एंड बराबर रास्ते पे पहुंचा ही देती है। सो जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक, भिवंडी क्रॉस कर लिया है। आज मेरे साथ है एज यूजुअल ओमकार विथ हिज टीवीएस अपाचे RR 310। अदर देन दैट वेदर इज ऑसम, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही है। गोप्रो को आई गेस वाटरप्रूफ केस में डालने की जरूरत ना पड़े तो ही अच्छा है। गुजरात एक्सप्रेस हाईवे NH 48 यार कब पहुंच रहे, ऐसा हो गया क्योंकि बहुत पॉटहोल्स है यार भिवंडी में। दिमाग घूम गया, और दोनों की बाइक देखिए एकदम डर्ट बाइक हो चुकी है। पानी पी लेते हैं एंड अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अरे यार क्या व्यू है यार, मतलब मुझे पता नहीं है गोप्रो में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन क्लाउड्स कितने नीचे है, जस्ट वाओ यार। ये जो रोड है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आजू बाजू बहुत सारे मंदिर है। वज्रेश्वरी के लिए यहाँ पर है लेफ्ट से टर्न, फिर तुंगेश्वर बाबा मंदिर है यहाँ पर, महादेव भोलेनाथ का मंदिर, तो इस पैच पर बहुत से मंदिर है। तुंगेश्वर जंगल के रोड्स काफी अच्छे हो चुके हैं, मतलब अब बहुत ही कम पॉटहोल्स थे। लास्ट ईयर मैंने देखा था कि रोड्स के काम चल रहे थे, तो इसलिए अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो रोड्स की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये आ गया मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। शायद मैंने आपको डेस्टिनेशन तो बताया नहीं। यस, तो डेस्टिनेशन है माहिम बीच, जो पालघर में है, माहिम में नहीं है। आई नो बहुत से लोगों को लगेगा कि माहिम में है, जी नहीं, पालघर में है। ये टर्न शायद थोड़ी किलोमीटर बाद है, तो अपन फिलहाल भगाते हैं, टाइम तोड़ते हैं। इस हाईवे की यही खासियत है, ये देखिए सीन सीनरी, मक्खन रोड, कब पहुंच जाते पता नहीं चलता। ऑलमोस्ट मैं 10 महीने बाद इस हाईवे पर आया हूँ, और ये आ गया दिन का पहला टोल नाका। डेस्टिनेशन एक्चुअली ज्यादा लंबा, ज्यादा दूर नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि सेकेंड टोल प्लाजा लगेगा हमें। क्या भगाया है बॉस। जिन्होंने मेरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वीडियो नहीं देखा है उनको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं डोंबिवली से लेकर राजपिपला कितने जल्दी पहुंच गया था। 130 टच कर लिया था मैंने, मतलब इस बाइक का यही है कि कब आप 130 टच कर लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। कुत्ते जैसे विंड ब्लास्ट है, इस साइड से विंड ब्लास्ट है, लेकिन अपनी बाइक हेवी है तो इसलिए विंड ब्लास्ट का इफेक्ट कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं एक्टिवा पे होता या कुछ हल्के बाइक पे होता तो ऑटोमेटिक राइड पे जाती अपनी बाइक। हाईवे पर हमें ज्यादा देर रहने नहीं मिलेगा, हाईवे सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही था। ये आ गया लेफ्ट टर्न, बहुत सालों पहले केलवा बीच गया था,
तो वही रूट है आधा। केलवा बीच यहाँ है तो माहिम बीच यहाँ है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। सो द डेस्टिनेशन इज मोर अराउंड 35 किलोमीटर। यहाँ पर तो बारिश का नामो निशानी नहीं है, मतलब अच्छे से धूप खिली हुई है। यहाँ पर लगता है कल्याण डोंबिवली चेहरा पूंजी बन गया है। वहां पर पीछे चेक पोस्ट पर पुलिस खड़े थे, मुझे लगा रोकेंगे, लेकिन उन्होंने दो बार मेरा कैमरा देखा और छोड़ दिया। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गोप्रो ऑन योर हेलमेट, 1 पॉइंट एडेड। सो फाइनली जस्ट टुक अ शॉर्ट ब्रेक। ये ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए सीनरी देखिए, तो वैतरना रिवर का ये पानी है और यहाँ पर 2 साल पहले भी फोटो लिया था। तो बस अब थोड़े फोटो बिटो खींचते हैं। बाल पूरे ऐसे खराब हो गए ना, कोई हंस रहा है तो हंस लो। तो थोड़े बहुत पिक्चर क्लिक कर लिए एंड जस्ट लुक अराउंड, क्या व्यू है यार, ये ब्रिज, वैतरना रिवर, मूड बन गया भाई। चलो अब कहीं रुकना नहीं, अब डायरेक्ट बीच पे रुकना है। चले, बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, मतलब क्या बताऊँ, पानी भी नहीं पिया है मैंने। ये देख मेरे भाई, मेरे प्रणव, ये टर्न तो तुझे जरूर याद होगा, यहीं पर अपना भाई गिरा था, हमने पहचान लिया। हाँ प्रणव, आई होप तुझे ये लोकेशन जरूर याद होगा। देख तेरे लिए 1 मिनट में रुक भी गया, मैं और ओमकार हम दोनों रुक भी गए तेरे लिए। अभी तो फिलहाल घास फूस उग गए, हम लोग अप्रैल में आए थे तो तब पूरा पथरीला रोड था भाई। प्रणव अपना वीडियो देख रहा है। चलो तो राइड कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही शार्प यू टर्न था एक्चुअली, सॉरी प्रणव, लेकिन ओमकार को ये जगह देखनी थी तो मैंने दिखा दिया। बाय द वे ये जो रोड है, ये रोड का नाम है केवा बीच रोड, और ये रोड और 3 किलोमीटर तक है। कुछ अच्छे रोड नहीं है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन इज मोर अराउंड 14 किलोमीटर। सीधा बीच पर जाकर ही आपसे मिलता हूँ, देखते हैं पार्किंग अच्छे से मिलती है या नहीं। सो ऑलराइट, वी हैव रीच्ड माहिम बीच। एंट्रेंस बोलूं तो एंट्रेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डोंबिवली से लेकर माहिम बीच इज अराउंड 90 किलोमीटर। बीच का जो पैच है, यानी कि अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जब लगता है, वो पैच एकदम मक्खन है। वहाँ पर का मजा आ गया। हाँ राइड का तो मजा आ गया, राइड अच्छे से हो गई। वहाँ पर एंट्रेंस में मतलब बहुत सारे गांव वाले हैं और वो मच्छियाँ सुखा रहे हैं, तो इसलिए एंट्रेंस जो है वो एकदम ही नीट और क्लीन अगर आप सोच रहे हो तो नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत आओ। हम यहाँ पर आए, थोड़ा आगे चल के आए हैं। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोग है, वहाँ पर भीड़ दिख रही है थोड़ी दूर, लेकिन अपन भीड़ से अलग शांत ऐसा लोकेशन चुन लिया है और बैठ गए हैं। पानी ऑलमोस्ट यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन पानी उतना दूर है तो बहुत ज्यादा लो टाइड है इस वक्त। सीन ऐसा है कि यहाँ पर पहुँचने से पहले हम दोनों को भूख लग गई है, इसलिए मैंने कहा था कि पहले कुछ तो खा लेते, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। देखते हैं अब यहाँ पर आसपास एक्चुअली कोई अच्छा होटल भी नहीं है, एक होटल दिखा था, सोच रहे कि अच्छा हो गया खराब हो गया पता नहीं। बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे बोट्स खड़े है और ये बोट सब मछुआरे के हैं, मतलब जो फिश पकड़ते हैं फिशरमैन, तो ये सब बोट उनके हैं। लगता है बीच स्पेसिफिकली मछुआरे के लिए है क्योंकि बहुत से फिशरमैन की बोट्स है यहाँ पर। और अगर मैं फिश के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये कोई तो फिश यहाँ पर मरा हुआ है। अब ये कौन सा फिश है, क्या है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है फिश के बारे में, लेकिन इसके दांत भी है, फिश भी बहुत ही बड़ा है। जो डॉग्स के जैसे दांत होते हैं सेम वैसे ही दांत है इसके भी, दांत भी देखिए एकदम शार्प दांत है। शायद हाई टाइड आया होगा तब ये यहाँ पर आया है। एक्स्ट्रा टी शर्ट एक्स्ट्रा कपड़े भी लेकर आए थे हम लोग, लेकिन पानी देखकर ऐसा लगने रहा कि पानी के अंदर जाना चाहिए, पानी भी इतना क्लीन नहीं है। ओंकार चलते हुए जाने का क्या, अभी आए हैं इतना तो थोड़ा चलकर तो जाते हैं पानी के नजदीक। इसी बहाने आपको बीच भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा माहिम बीच का स्टार्ट पॉइंट, ये इतना पूरा बीच, और वो रहा माहिम बीच का एंड पॉइंट। हाँ एक बात कहना चाहूँगा कि बीच बहुत ही शांत है, जिसको शांति पसंद है, अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना है बीच पर भीड़ भाड़ से दूर, तो दिस इज वन बीच आई विल रिकमेंड यू। भाई जब अभी धूप बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अगर मैं सिर को हाथ लगाता हूँ तो एकदम गर्म हो गया है सिर। मैंने सोचा कि टाइम लैप्स भी निकाल लूँ, लेकिन टाइम लैप्स जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, मतलब पानी भी है तो वो बहुत ही पीछे है, क्लाउड्स भी नहीं है, तो इसलिए टाइम लैप्स लेने लायक कुछ है नहीं। हमारे बैग्स रखने के लिए हमने ये स्पॉट चूज कर लिया था। बहुत देर से बातें कर रहे थे हम, और लगता है ये भाई सो गए लगता है ये भाई। मैं भी व्लॉग करते बैठा था, किसी का आवाज़ नहीं है यहाँ पर। एक बार वो नींद से उठ जाए तो थोड़े पिक्स क्लिक करते हैं और निकलता हूँ फिर। अगर आपको 1 घंटा स्पेंड करना है तो ये बीच अच्छा है, लेकिन आपको मोर देन 1 आवर्स यहाँ पर स्पेंड करना है तो शायद आप बोर हो जाओगे। सो आफ्टर स्पेंडिंग 1 to 1.5 आवर्स इट्स टाइम टू गो। चलिए भाई निकलते हैं। चलो हो गए सब रेडी। सो वी आर बैक ऑन अवर बाइक्स। बाइक तो देखिए कितने गंदी हो चुकी है, लेकिन ऐसा देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ
कुछ तो अच्छी राइड हुई है आज। बहुत से लोग मुझे लगता है कि एंट्रेंस देख के वापस घर निकल जाएंगे। स्टार्टेड अवर जर्नी बैक टू होम, इट्स शोइंग अराउंड 100 किलोमीटर। आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग कि पालघर आकर, मतलब ये केलवा बीच, माहिम बीच, यहाँ आकर सेम आपको कोकण की फीलिंग आएगी। इतनो सा रोड, दोनों साइड हरियाली, पेड़ पौधे, सेम डिट्टो मैंने ये दिव्यागर में महसूस किया था। टूवर्ड्स माई लेफ्ट साइड इज केलवा रोड रेलवे स्टेशन। वेल, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि केलवा रोड करके स्टेशन भी है। सो यस, केलवा बीच आना हो तो यहाँ पर उतर कर आप रिक्शा ले सकते हो केलवा बीच के लिए। सो वी आर बैक इन द घाट, और इस घाट का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घाट दिखने में बहुत ही सिंपल लगेगा आप, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर। सो इसे हल्के में तो मत ही लेना, बहुत डेंजरस कर्व्स है, थोड़ा संभलना पड़ेगा, दैट्स इट। बाय टेकिंग दिस राइट टर्न वी आर बैक ऑन NH 48। अब होटल ढूंढना है। ऑल राइट, सो वी आर फाइनली टेकन द ब्रेक। रुकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, दोनों बाइक यहाँ पर पार्क्ड है। अब अंदर जाते हैं, कुछ तो खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी थी। खाना जो है वो आ चुका है, हमने मंगाई है वेज बिरयानी एंड मसाला पापड़। तो बस खाना स्टार्ट करते हैं। 30 to 45 minutes का ब्रेक हो जाएगा ये। थोड़ा सा गला बैठ गया है, यस, मेरा थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत था। तो यस, अदर देन डैट एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। खाना खा लेता हूँ और फिर वापस बाइक पर बैठते हैं, पता खाना कैसा है। ओ मेरे भाई साहब, क्या खाना खाया, पेट भर कर खाना खाया। वेज बिरयानी मंगाई थी, क्या टेस्टी था यार बिरयानी सच में। अगर मैं होटल के बारे में बात करूँ तो होटल विराम नाम है, यहाँ पर आकर आप वेज बिरयानी ट्राई करो, बहुत अच्छी है, बहुत। पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख जमकर लगी थी, कोई बात नहीं। ये होता है हाईवे खत्म, और अब वापस सिंगल लेन रोड पर चलना है हमें फॉर द नेक्स्ट 45 किलोमीटर। सो माई गॉड यार, और इसी राइड के साथ निंजा के कंप्लीट होते हैं 3000 किलोमीटर। मतलब बोलो, पिछले टाइम कार के 4000 किलोमीटर कंप्लीट हुए थे, इस बार बाइक के 3000 किलोमीटर कंप्लीट हुए। माइलस्टोन पे माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं भाई। गोप्रो की बैटरी ऑलमोस्ट कभी भी अब खत्म हो सकती है। बाय द वे, इफ आई सी तो होम इज मोर अराउंड 20 किलोमीटर। बाप रे, इतना ट्रैफिक, क्या बताऊं कितना ट्रैफिक, पत्री पुल की ट्रैफिक। 2018 में भी यही सीन था, 2019 में भी यही सीन है, 2020 खत्म होने आया फिर भी यही सीन है। इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मैंने मेरे दोस्त को बोला, भाई तू आगे निकल जा, क्योंकि इतने ट्रैफिक में आगे पीछे रहने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने उसको वहीं पर बाय बोल दिया। डोंबिवली पहुंच चुका हूं, स्ट्रेट जाऊंगा तो घाड़ा सर्कल आता है। तो चलिए अब डायरेक्ट अपने घर या बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं। सो ऑलराइट, फ्रेश होना पड़ा, नहाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से मैं घर पर आया था, मतलब अगर मैं बताऊं तो धूल मिट्टी पॉल्यूशन सब मुंह पे चिपकी हुई थी, मुंह पे बालों पे, एकदम गंदा हो गया था राइडिंग जैकेट टी शर्ट सब कुछ। अगर बात करूं तो डोंबिवली से लेकर माहिम बीच एंड माहिम बीच टू डोंबिवली अराउंड 206 किलोमीटर हुए। नीचे मैं यही बात कर रहा था कि टाइम इज अराउंड 5 o'clock और किलोमीटर जो है वो 206.6 किलोमीटर हो चुके थे, यानी कि 207 किलोमीटर। केलवा बीच के बाजू में है ये बीच, माहिम बीच। तो लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि माहिम बीच भी आते हैं घूमने, और ऐसा एंट्रेंस देख के आई वॉज लाइक, सच में ऐसा? एक्चुअली फिलहाल केलवा बीच बंद है, मार्च से लेकर, मतलब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक केलवा बीच बंद है। तो इसलिए अगर आप उस साइड जा रहे हो, केलवा बीच प्लान कर रहे हो, तो फिलहाल मत जाओ, बीच बंद है। होटल्स खुल चुके हैं अब, तो अब ट्रैवलिंग के रिलेटेड कुछ इशू ही नहीं है महाराष्ट्र में। सो दैट वाज इट गाइस, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सुबह 6:30 से लेकर अब 5:30 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 11 hours का व्लॉग बनाया है मैंने। सो आई थिंक आई शुड एंड माय वीडियो ओवर हियर गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग।